एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल आशा सक्सेना। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमको फेस पैक किस तरह से लगाना चाहिए और उसको सूखने के बाद में किस तरह से हमको फेस पैक वॉश करना चाहिए। तो अक्सर हम घर पर लगाते रहते हैं फेस पैक, लेकिन प्रॉपर वे में जब नहीं लगता है फेस पैक तो फिर उसके रिजल्ट भी रिवर्स मिलते हैं हमको। तो प्रॉपर वे में किस तरह से हम फेस मास्क लगाएंगे और किस तरह से फेस मास्क हटाएंगे, ये प्रॉपर वे में तरीका आप देखिएगा। और फर्स्ट बार आप वीडियो हमारा वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और सबसे पहला वीडियो आप हमारा देख सकें। और एक छोटी सी आइकन बेल है जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, उसको जरूर दबाना नहीं भूलिएगा। और अगर स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो आप वॉच कर रहे हैं तो उसके लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, कार्य करने का तरीका पसंद आता है। तो चलिए हम बताते हैं कि फेस पर फेस मास्क किस तरह लगाएंगे, फेस पैक किस तरह, एक ही बात है, फेस पैक हम किस तरह से लगाएंगे और किस तरह से हमको उसको वॉश करना चाहिए, हटाना चाहिए। दोस्तों, फेस पैक किसी भी कंपनी का हो, कैसा भी हो, लेकिन सबका लगाने का तरीका एक सा ही होता है। हमको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही फेस पैक लगाना चाहिए। ये आज हम आपको लगा के बताएंगे, नेचर्स का है और बीटा सी ब्राइटनिंग मास्क है, बहुत ही अच्छा है। आप देखिए, ये टैनिंग रिमूवल है और हमारे फेस को शाइन करता है, स्मूथनेस लाता है। तो हम इसके रिजल्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये फेस पैक हम लगाएंगे। और ये देखिए, फेस पैक किसी भी कंपनी का हो, लगाने का तरीका विशेष तौर से आप देखिए। यहां हमने ये लिया है नेचर्स का बीटा, इसका ये है, इस तरह का है, अच्छा है। फेस के अकॉर्डिंग अगर ये ठीक है काफी, तो हम इसमें रोज वाटर मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने रोज वाटर मिक्स करके थोड़ा सा लिक्विड कर दिया और एक पेस्ट के रूप में हो गया। अगर हमको रोज वाटर मिक्स करने की आवश्यकता नहीं लग रही है तो हम नहीं मिलाएंगे, लेकिन ये काफी थिक था इसलिए हमको रोज वाटर मिक्स करना पड़ा। वीटा सी का आपने देखा ब्राइटनिंग मास्क हम बता रहे हैं, काफी स्मूथ है और स्किन शाइनर का काम करता है, टैनिंग हटाता है। तो ये पैक हम आपको लगाकर बताएंगे। लगाने का तरीका देखिए, पैक लगाने के बाद में हमको बोलना नहीं चाहिए, और लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो हमको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। बाकी मास्क किसी भी कंपनी का हो, लगा रहे हैं तो लगाने के बाद में बोलना नहीं चाहिए हमको सूखने तक। और लगाने का तरीका देखिए आप, इस तरह से नीचे से ऊपर की साइड में इस तरह डायरेक्शन में हम ले जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से नोज पर हम इस तरह लगाएंगे और आईज के पोर्शन को हम इस तरह से लेंगे, आई लैशेज को अवॉइड करेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से फेस पर लगाया और लगाने के बाद में हम 7-8 मिनट तक छोड़ेंगे इसको। हो सकता है सीजनल, अगर जैसा है वैसे ही सूखेगा, अगर बारिश का टाइम है तो थोड़ा टाइम लेता है, 10 मिनट भी ले लेता है, 10 मिनट तक ये फेस पर
मास्क सूख जाएगा। और ये देखिए आप कि इसको सूखने के बाद में हम वॉश करेंगे, और वॉश करने का तरीका आप देखिएगा, और ज्यादा बहुत ज्यादा क्रैक्स नहीं पड़े हैं उससे पहले ही हमको वॉश करना चाहिए। हम बोलते नहीं है पैक लगाकर, लेकिन हमको समझाना था आपको, इसलिए हमने बोलकर समझाया। तो हम वेट करते हैं सूखने तक का। आफ्टर 10 मिनट बाद फेस पैक ये सूख गया है, और हमने पहले ही बताया था कि फेस पैक क्रैक्स ना पड़े उससे पहले ही हमको वॉश कर लेना चाहिए और सूख जाना चाहिए। तो देखिए हम इस तरह से हमने ये पानी लिया है, और ये नैपकिन है, कॉटन से भी आप कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसको रिमूव नहीं करेंगे, हल्का सा गीला करेंगे। ये देखिए गर्मी का टाइम है तो हम ठंडा पानी लेंगे, और सर्दी का है तो नॉर्मल लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा पैक हमारी स्किन से अलग हुआ है। और अब हम इसको गीला हाथ करके देखिए धीरे धीरे राउंड शेप में इस तरह से करेंगे। ये हमारा मास्क स्किन से अलग हो गया, और अब हम डिस्पोजेबल नैपकिन है इससे हम पोंछ लेंगे। प्रॉपर वे में सही तरीका यही है फेस मास्क वॉश करने का। ये देखिए फेस वॉश करने के बाद में हमने मास्क किस तरह से हटाया। ये देखिए फेस मास्क हमने वॉश किया है, और वॉश करने के बाद में इसके रिजल्ट देखिए। ये नेचर्स का बीटा सी और सिट्रस मास्क है, बहुत ही अच्छा है, और टैनिंग रिमूवल है। तो इसके रिजल्ट आपने देखे। ये हमने ये पहले भी दिखाया था आपको कि ये ब्राइटनिंग मास्क है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप कोई सा भी लें मास्क, लेकिन मास्क को हटाने का तरीका जो हमने बताया, कुछ लोग तो इस तरह से हटाते हैं कि बहुत ज्यादा क्रैक पड़ जाते हैं, तब उसको वॉश करते हैं, और डायरेक्ट ही वो वॉश स्पंज से जोर से खींच के करते हैं। स्किन से अलग करने का तरीका यही है कि पहले हम स्पंज से हमने सारे फेस पर उसको गीला किया मास्क को, और उसके बाद इस तरह से रिमूव किया जो आपने देखा। तो विश्वास है आपको ये तरीका जरूर पसंद आया होगा, और खास तौर से हम ब्राइटनिंग ये सिट्रस वाला मास्क जो हमने यूज किया है नेचर्स का, बहुत ही अच्छा है, और इसके रिजल्ट आपके सामने हैं, जो आपके सामने अभी हमने लगाकर वॉश कर बताया है। तो विश्वास है आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर हमारा वीडियो ये आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।